हेलो फ्रेंड्स, आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत है। नीट 2022 में जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ख़ास और इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप सबको अच्छी तरह से पता है नीट का एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो किसी वक्त भी निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार अपडेट करूँगा कि स्टूडेंट्स, आप लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि 17 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से पता है कि चाहे वो टाइम्स नो हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, मतलब पूरी तरह हिंदुस्तान के हर एक पेपर में ये लिखा हुआ था कि नीट का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को आएगा, 2 तारीख से आपको अप्लाई करने मिलेगा यानी रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन 1 अप्रैल ख़त्म हो गया, आज 2 अप्रैल है, तो स्टूडेंट्स अभी तक तो नहीं आए। कुछ बच्चे ने अगर मुझसे ये भी कहा, कमेंट्स किया कि आप NTA के डायरेक्टर, मतलब नो, सिर्फ एक्सपीरियंस है, नॉलेज के बेस पर मैं आपके बात ये करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स अभी नीट के बारे में आपको मैं एक छोटी सी अपडेट ऑफिशियल तो ज़रूर दूंगा, लेकिन क्या आप सभी बच्चे नीट का प्रिपरेशन उसी समय करेंगे जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा? नहीं, आप एप्लीकेशन से पहले प्रिपरेशन करें। अभी अपने आप को ज़्यादा मन भटकाए नहीं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपको प्रिपरेशन करने का, क्योंकि एग्जामिनेशन जो होगा ये एकदम श्योर शॉट है कि जुलाई के लास्ट वीक में होगा या अगस्त के फर्स्ट वीक में, जहाँ तक ज़्यादातर संभावना है अगस्त के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और मैं एक बात कहूँगा, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इसकी नोटिफिकेशन कब आएगा वो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नीट की पूरी तरह से प्रिपरेशन PDF फाइल के माध्यम से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ शेयर किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि नोटिफिकेशन जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मंडे या ट्यूजडे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आज नोटिफिकेशन आने की संभावना है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है कि आज रिलीज हो जाए। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।